Hello and good morning, my dear students. Myself Adiba, and in this video I am going to read English Grammar's chapter number 9, adverb. Okay, so whatever I'm going to explain, you have to do all those exercises in your grammar book. Okay, let's start. Okay, so this is your grammar's page number 42, chapter 9, adverbs. Second term I have written here because this is your second term grammar syllabus. Date is 26 October 2020 today and the day is Monday. Okay, so let's start. First of all, read what adverb is. We use some words to describe the actions we perform. Such words are called adverbs. First of all, here one word is used, actions. Did you remember that the action words are called verb? The action words are called verb. Koi bhi action ho raha ho, like dancing, talking, walking, running, sleeping, eating, anything that is action, some sort of action is happening, that is verb. Okay, and the word that explains or that describes that action is adverb. For example, let's see. Ayushi speaks slowly, sorry, softly. Here speaks is verb. Speak क्या है यहाँ पर? Verb, बोलना. और softly क्या है? Adverb. क्यों है softly adverb? Because softly हमें बता रहा है that आयुषी कैसे बोल रही है? Slow, softly बोल रही है, धीमे बोल रही है. The word softly describes the action speak. Softly किसे describe कर रहा है? Speak को. जो verb है उसको describe कर रहा है softly. It tells us how आयुषी speaks. क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आयुषी कैसे बोल रही है, सॉफ्टली बोल रही है. वन मोर एग्जाम्पल, चिराग राइट्स नीटली. हियर राइट्स इट्स वर्ब. राइट्स क्या है? वर्ब. क्यों? वर्ब मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा हो. राइट मीन्स लिखना. तो इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? नीटली. नीटली मतलब चिराग कैसे लिख रहा है? नीटली. नीटली मीन्स साफ सुथरा. द वर्ड नीटली डिस्क्राइब्स द एक्शन राइट. नीटली राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है. टेल्स अस हाउ चिराग राइट्स. हमें क्या बता रहा है कि चिराग कैसे लिख रहा है. रिमेंबर, एडवर्ब्स दैट टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन आर मोस्टली फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स. जो एडवर्ब्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो मोस्टली कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव्स में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्विक. क्विक मीन्स क्या होता है? जल्दी. और एल वाई ऐड कर दिया तो भी क्विकली मीन्स भी जल्दी होगा या जल्दी से. तो एडजेक्टिव्स में जब हम क्या ऐड कर देते हैं? एल वाई, तो क्या बन जाते हैं? वो एडवर्ब्स. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग एडजेक्टिव्स क्या है. हम नेक्स्ट चैप्टर में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे. एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. बट फिलहाल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी एड एल वाई टू अ वर्ड दैट बिकम्स अ एडवर्ब एंड दैट वर्ड शुड बी एन एडजेक्टिव. नाउ सी, हियर आर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, लाइक क्विकली, लाउडली, स्लोली, सैडली, ब्यूटिफुली, क्वाइटली. Now there's one more thing. Sometimes we remove the last letter of the word and add ily. कई बार ऐसा होता है, generally y और e या कुछ selected words के cases में, कि हम last word हटा के क्या लगा देते हैं? ily. You have to learn these words. जैसे hungry में हमने यहाँ y हटा के क्या लगा दिया है? ily. ठीक है, यहाँ again angry में y हटाया है and ily. नॉइज में एल वाई लगाना है बट ई हटा के ई की जगह आई आ गया, आई एल वाई. सेम विद हैप्पीली. वी डोंट ऐड एल वाई टू द वर्ड फास्ट टू मेक इट एन एडवर्ब. नाउ देयर इज वन मोर थिंग. फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें कभी भी एल वाई ऐड नहीं होता है. डोंट फॉरगेट, कभी भी अगर आपको फास्ट दिया हो तो आप उसको एडवर्ब में बदलने के लिए कभी भी एल वाई नहीं लगाएंगे. एज इट इज फास्ट लिख देंगे. ओके, now this is page number 44 and the first exercise that we have is form adverbs using the words given below. आपको कुछ words दिए गए हैं यहाँ पे, उनको आपको adverb में change करना है. तो simple है, adverb में change करने के लिए आप क्या लगा देंगे? ly.
क्लियर में लग गया एल वाई क्लियरली. सॉफ्ट बिकम सॉफ्टली. ऑनेस्ट बिकम ऑनेस्टली. काम बिकम कामली. सेम लेजी में वाई हट के क्या हो जाएगा लेजली आई बी एड हो जाएगा. डोंट फॉरगेट. ओके नेक्स्ट वी हैव टेक द एडवर्ब्स इन ईच रो दैट कैन बी यूज विद द गिवन वर्ब. यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी गई हैं. यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दी गई हैं. आपको राइट एडवर्ब में टिक करना है. जैसे फर्स्ट वाले में किया हुआ है ना सिट क्वाइटली. क्लास में हमेशा मैं बोलती हूँ ना सिट क्वाइटली. सेम वे राइट नीटली या लाउडली. नीटली मतलब साफ सुथरा अच्छा सा लिखो. रन लेजिली या फास्ट. रन मीन्स रन के साथ अप्रोप्रिएट क्या होगा फास्ट जल्दी भागो. शाइन क्विकली और ब्राइटली. ब्राइटली. सिंग एंग्रिली गुस्से से या स्वीटली. स्वीटली. ओके नाउ राइट द नेम ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास हु. आपको अपने क्लास से जो आपके फ्रेंड्स थे उनके आपको नाम तो ऑब्वियसली याद होंगे. उन बच्चों का नाम लिखना है. सबसे पहले है राइट्स नीटली जो आपको लगता है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है जिसकी. रन्स फास्ट जो आपको याद आ रहा हो जो बहुत तेज़ दौड़ता हो खेलते टाइम. सिट्स क्वाइटली जो क्लास में एकदम शांत बैठता हो. सिंग स्वीटली जो कोई अच्छा सा गाना गाता हो आपका कोई ऐसा फ्रेंड याद हो आपको. वर्क्स क्विकली जो सबसे पहले जल्दी से वर्क कर लेता है. ड्रॉज नाइसली जो बहुत अच्छी सी ड्रॉइंग करता है. डांसेस नाइसली जो बहुत अच्छा डांस करता हो. या स्पीक्स लाउडली जो हमेशा चिल्लाता रहता हो. ओके या तेज़ आवाज़ में बोलता हो. तो आपको अपने फ्रेंड्स के नेम तो आई एम श्योर याद होंगे ना. तो आप उनमें से ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू राइट योर फ्रेंड्स नेम जो आपको लगता है इन चीज़ों में सबसे बेटर है. ओके नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन्हें हम रीड करेंगे और जो एडवर्ब होगा उसको अंडरलाइन करेंगे. द डॉग बार्क्स लाउडली एट स्ट्रेंजर्स. ओके यहाँ पर द डॉग मीन्स अ डॉग है एक कुत्ता है जो कैसे बार्क कर रहा है लाउडली स्ट्रेंजर्स के ऊपर. जो अननोन लोग होते हैं उन्हें स्ट्रेंजर कहते हैं. जिन्हें हम नहीं जानते वो स्ट्रेंजर होते हैं. तो डॉग उनके ऊपर भौंक रहा है. कैसे भौंक रहा है लाउडली. सो लाउडली इज द एडवर्ब हियर. अ स्नेल मूव स्लोली. स्नेल कैसे मूव कर रहा है स्लोली. सिड प्लेज हैप्पीली इन द पार्क. सिड खेल रहा है पार्क में. कैसे खेल रहा है हैप्पीली खुशी खुशी. मिस्टर रॉय ड्राइव्स हिज कार केयरफुली. मिस्टर रॉय अपनी कार कैसे ड्राइव करते हैं केयरफुली. केयरफुली किसके बारे में बता रहा हूं मैं ड्राइव के बारे में. अ लायन रोअर्स लाउडली. एक जो शेर है वो कैसे दहाड़ता है लाउडली तेज आवाज में. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू एडवर्ब्स. ओके यहाँ में कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं हर सेंटेंस से पहले और हमें उन वर्ड को एडवर्ब में चेंज करके यहाँ फिलअप करना है. ओके फर्स्ट वर्ड क्वाइट. वी स्टडीड इन द लाइब्रेरी. हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं क्वाइटली शांति से. क्वाइट में हमने क्या लगा दिया एल वाई क्या बन गया एडवर्ब. द रैट रैन इन टू द होल. जो चूहा था वो होल में भागा. कैसे भागा क्विक. क्विक तो नहीं लिखेंगे क्या होगा यहाँ पर क्विकली भागा. क्योंकि क्विकली हमें क्या बता रहा है कि चूहा कैसे भागा क्विकली जल्दी से. दे अरेंज द बुक डैश ऑन द शेल्फ. उन्होंने लोगों ने जो भी दे जिनके बारे में बात हो रही है उन्होंने बुक्स जो थी शेल्फ पर कैसे लगाई नीटली. यहाँ पर नीटली हो जाएगा एन ई ए टी एल वाई नीटली. नेक्स्ट इज द डॉग वैग्ड इट्स टेल हैप्पी. हैप्पी में वाई हट के आई एल वाई लग जाएगा. रिमेंबर अभी मैंने बताया था आपको. लास्ट वन इज अ डॉल्फिन स्विम्स फास्ट. इसका क्या हो जाएगा फास्टली. फास्टली हो जाएगा. आर यू श्योर. मैंने क्या बताया था फास्ट के साथ कभी भी एल वाई नहीं लगेगा. ओके सो इट विल बी एज इट इज यू विल राइट फास्ट हियर. सो वी आर डन फॉर टुडे. टुडे यू हैव टू डू दिस बुक एक्सरसाइज इन योर ग्रामर बुक. दीज आर पेज नंबर 44 एंड 45. डू देम नीट एंड क्लीन टुडे इटसेल्फ एंड मेक श्योर यू राइट इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. ओके Dear students, take care of yourself, have a happy day and prepare for your class test. Good day.